गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। हम क्लास फर्स्ट का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। आपके चैप्टर का नेम है काउंट नंबर्स बियॉन्ड 100। इट मींस आगे के काउंटिंग। ओके, नंबर्स बियॉन्ड 100 यानी 100 के आगे के नंबर्स इसमें हम सीखेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अलग चीज़ सिखाने जा रही हूँ, मतलब चैप्टर से रिलेटेड ही है वो। जैसे कि आपने अब तक जो काउंटिंग सीखी वो हमने सीखी 1 to 100। अब हमारा जो चैप्टर है नंबर्स बियॉन्ड 100, ठीक है, तो उसे सीखने से पहले, चैप्टर के बारे में जानने से पहले हम क्या करेंगे, 100 के आगे के नंबर्स के बारे में जानेंगे। वो किस तरीके से, मतलब हम आगे की काउंटिंग सीखेंगे, 100 के आगे की काउंटिंग हम सीखेंगे, क्योंकि हमें इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उससे पहले हमें आगे की काउंटिंग तो हमें आनी चाहिए कि काउंटिंग किस तरीके से बनेगी, हमें किस नंबर को किस तरीके से स्पीक करना है। ओके, तो हम इसमें पहले सीखेंगे ओनली काउंटिंग। क्या सीखेंगे? काउंटिंग। काउंटिंग इसमें सीखेंगे किससे? 100 से आगे की काउंटिंग। अभी हम जब मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको नंबर्स विथ नंबर नेम बताए थे, तो मैंने वो किस तरीके से बनाए थे, जैसे कि लास्ट 10 नंबर हुआ हमारा, तो 10 में प्लस 1 करेंगे 11, 10 में प्लस 2 करेंगे 12, इसी तरीके से 10 में 10 ऐड करेंगे 20, एंड लास्ट नंबर 20 आया, 20 में वापस से क्या ऐड किया, 1, 2, 3, तो वो आगे के नंबर्स बनते चले गए, ठीक है। और 90 में 1 ऐड किया तो 91, 2 ऐड किया 92, 3 ऐड किया 93। ओके, तब हमें आगे की काउंटिंग बनानी है, तो आगे की काउंटिंग बनानी है तो लास्ट नंबर हमारा क्या था, 100 था। अब 100 से आगे की काउंटिंग हमें बनानी है यानी सीखनी है, तो 100 के आगे की काउंटिंग भी इसी तरीके से बनी है कि 100 में 1, 2, 3 ऐड करते जाओ। देखिए, इस तरीके से 100 प्लस 1 करेंगे तो कितना नंबर होगा, 0 प्लस 1 1। 0 के नीचे कोई डिजिट नहीं आ रही है, 0, एंड 1 के नीचे भी कोई डिजिट नहीं आ रही है, इसलिए 1 101। ओके, 100 प्लस 2 0 प्लस 2 2। आपको लोगों को बताया ना कि किसी भी डिजिट को 0 में ऐड करने पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो 0 प्लस 2 2। नेक्स्ट 0 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 0, एंड 1 के नीचे भी कोई डिजिट नहीं है इसलिए 1 का डिजिट इज 1 102। 100 प्लस 3 100 प्लस 3 0 प्लस 3 3 0 प्लस कुछ नहीं है एज इट इज 0, एंड 1 के नीचे भी कुछ नहीं है इसलिए 1, तो 103। 100 प्लस 4, तो क्या हो रहा है, 0 प्लस 4 4, 0 के नीचे कोई डिजिट नहीं है 0, एंड 1 का एज इट इज 1, क्योंकि 1 के नीचे भी कोई डिजिट नहीं आ रही तो बना 104। 105 कितना ऐड करेंगे, 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 वही सीरीज चल रही है, तो यह 0 प्लस 5 5, 0 का एज इट इज 0, एंड 1 का एज इट इज 1, 105। 100 प्लस 6, वेरी गुड, 100 प्लस 6, 0 प्लस 6 कितना होगा, 6, 0 के नीचे कोई डिजिट नहीं है 0, 1 का एज इट इज 1, 106। 100 प्लस 7, 0 प्लस 7 7, 0 एज इट इज एंड 1 को एज इट इज 107। 100 प्लस 8, ओके, 100 प्लस 8, तो ये हो गया 8 0 1 108। 100 प्लस 9, 9 plus 0 9, 0 as it is and 1 as it is, okay, and 100 plus 10
अब 100 में कितना ऐड कर रहे हैं, 10 में यहाँ लिख देती हूँ 100 प्लस 10। अब टू डिजिट नंबर आ गया, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 एंड 1 का इट इज 1, ये हुआ आपका 110। अब आगे के नंबर देखिए, हमारा लास्ट नंबर है 110। अब 110 में क्या ऐड करेंगे फिर से, 1 to 10 नंबर्स, 1 to 10 नंबर्स। हमारा लास्ट नंबर था 110, अब 110 में 1 नंबर ऐड करेंगे, तो देखिए 0 प्लस 1 1, 1 के नीचे कोई डिजिट नहीं है 1, इस 1 के नीचे भी कोई डिजिट नहीं है 1, ये हो गया 111। 110 प्लस 2, इस वाले डिजिट को चेंज नहीं करना है, 0 प्लस 2 2, 1 के नीचे कोई डिजिट नहीं है एज इट इज़ 1, एंड नेक्स्ट वन भी एज इट इज़ 112। 110 है ना यहाँ, ओके 1 के नीचे कोई डिजिट नहीं है इसलिए 1 एंड 1। अब आप देखिए यहाँ कुछ सिमिलर नज़र आ रहे हैं, यानी सेम चीज़ नज़र आ रही है। देखिए अगर हम इस 1 को हाइड कर लें, छुपा लें, ये हमने 1 को छुपा लिया, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 11 12 13 दिखाई दे रहा है। हमने अगर 1 को हाइड कर लिया तो ओनली वही चीज़ दिखाई दे रही है जो हमने स्टार्टिंग में काउंटिंग की थी, 11 12 13 दिखाई दे रही है। अब 114 बनाते हैं, देखिए प्लस 4, 0 प्लस 4 4, 1 के नीचे कोई डिजिट नहीं इसलिए 1, इस 1 के नीचे भी कोई डिजिट नहीं इसलिए 1, तो देखिए 1 को हाइड करो, कौन सा नंबर है, 14 11 12 13 14, मतलब हम क्या स्पीक कर रहे हैं, 114, तो 1 आगे आ रहा है तो हम 1 स्पीक कर रहे हैं। इसी तरीके ही आप आगे की काउंटिंग बनाएंगे, किस तरीके से, ओनली हमें क्या लगाना है आगे की तरफ 1, क्या लगाना है आगे 1, सिर्फ 1 टू 10 नंबर्स में बीच में 0 आएगा, क्योंकि 1 टू 10 नंबर्स कौन से डिजिट होते हैं, 1 डिजिट नंबर, ओके इसलिए हमें वहाँ बीच में 0 लगाना होता है, बाकी आगे 2 डिजिट नंबर हो जाते हैं, इस तरीके से ऐड होते हैं ये 100 प्लस 1। अब यहाँ 1 डिजिट नंबर था इसलिए बीच में 0 आ रहा है, 0 एंड 1 1, 0 का 0 एंड 1 101। जैसे ही नीचे 2 डिजिट नंबर्स आएंगे, जैसे कि 100 हमारा 110 हो जाएगा, यहाँ यहाँ 1 आ जाएगा, 5 लिखा तो देखिए 0 प्लस 5 5, 1 का एज इट इज़ 1 एंड 1 का एज इट इज़ 1, 150, और इस 1 को हाइड करेंगे तो 50, ओके यहाँ जैसे ही 1 होगा वो आगे के नंबर्स क्लियर होते जाएंगे। तो हम एक बार काउंटिंग सीखें, देखिए हम काउंटिंग लिखते हैं 101 102, मैंने वो आपको काउंटिंग बनाना सिखाया, अब आगे की काउंटिंग ओनली लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है, इसी तरीके से आप आगे भी काउंटिंग बना सकते हो, 103 104 105 106 107 108 109 एंड 110। जैसे 2 डिजिट नंबर आया 0 हट गया 10 आ गया, ओके नेक्स्ट नंबर होगा हमारा 111 112, तो 112 तो ओनली 1 लगा रहे हैं आगे 12, 113 114 115, देखिए 100 ओनली 1 जुड़ रहा है ओनली 15, अगर 1 को हटा दे तो 15 दिखाई दे रहा है, 116 117 118
119, 120। नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा हमारा? 121। देखिए 21 ओनली, 100 स्पीक किया इसलिए 1 आगे लगाया। 122, 123, 124, आप मेरे साथ स्पीक करेंगे नंबर्स को। 125, 126, कितना है? 126, 127, 128, 129 and 130। अब 30 के बाद में कौन सा नंबर आता है? 31, तो हम स्पीक करेंगे 131। इस काउंटिंग को रफ कर देते हैं यहाँ से। 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 and 140। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 40 के बाद में क्या आता है? 41, तो हम स्पीक करेंगे 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 and 151। ओके, एंड अब आएगा 151। देखिए 1 को हाइड कर लेंगे तो क्या बचा? 51, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 and 160। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 160, 164, 165, 166, 177, 178, 179 and 180। 80 के बाद में क्या नंबर आता है? 81। One hundred eighty one,
196 197 198 199। अब क्या होगा, 100 नहीं करेंगे, अब 100 में फिर से 10 ऐड होगा, 190 में 10 ऐड होगा। तो देखिए क्या होगा, 190 प्लस 10 0 प्लस 0 0 9 प्लस 1 10 टू डिजिट नंबर हुआ तो 0 1 कैरी 1 प्लस 1 2 तो 199 के बाद में कौन सा नंबर आएगा 200 कौन सा नंबर होगा 200 ओके तो ये आपकी काउंटिंग है 100 1 2 200। अब इसके आगे की काउंटिंग कैसे सीखेंगे वो देखिए, पहले हमने 100 में 1 को ऐड किया था, फिर 2 को 3 को, अब किस में ऐड करेंगे 200 में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 201 202 203, 1 की जगह क्या लिख देंगे ओनली 2, यहाँ पे 111 आ रहा है तो वहाँ हम लिख देंगे 2 इस तरीके से 211 ओके। इसी तरीके से यहाँ भी 212 213 214, जैसे ही 220 होगा आगे 221 ओके। जैसे ही वहाँ पहुँचेगा वो क्लियर हो जाएगा 300 में, किस में चेंज हो जाएगा 300 में, तो 300 में भी फिर आगे क्या आ जाएगा 1 की जगह 3 3 3 3, और यहाँ भी 311 312, जैसे कि मैंने आपके सामने एक नंबर लिखती हूँ 5 15, पीछे वाला नंबर क्या है 50 और आगे कितना है 5, तो देखिए 1 10 100 515, कितना हुआ ये 515। आगे जो भी नंबर होगा आपको उसे 100 बोल के लिखना है, 515 तो वही है ये वाला ओके। अगर इस 5 की जगह मैं 7 लिख दूँ, कितना लिखा मैंने 7, तो कितना हो गया ये 1 10 100 715, कितना हुआ 715। अब 100 को फिर से चेंज कर दो, क्योंकि हाँ मैं ने लिखा 6 तो ये हो गया 650। इट मीन्स कौन सा नंबर चेंज हो रहा है 100 वाला, बाकी की काउंटिंग तो सेम है। देखिए जैसे मैंने यहाँ 1 को ऐड किया तो कितना बचा 56 ठीक है, तो ओनली कौन सा नंबर चेंज करना है हमें 100 वाला, तो अब सारी काउंटिंग अब स्पीक कर लेंगे 100 से आगे की। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको वीडियो को पॉज करके अपनी एस डब्ल्यू कॉपी में ये काउंटिंग नोट करनी है। आप वीडियो को पॉज करके अपनी बुक में, सॉरी बुक में नहीं कॉपी में, कौन सी कॉपी में, एस डब्ल्यू कॉपी में ये काउंटिंग नोट कीजिए और इसे लर्न कीजिए ठीक है। वीडियो को लास्ट में आपको पॉज करना है, काउंटिंग स्पीक करते हुए अपनी एस डब्ल्यू कॉपी में इसे नोट करना है और लर्न करना है, और जैसे जैसे नंबर्स फर्स्ट नंबर चेंज होता जाएगा काउंटिंग भी चेंज होती जाएगी ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।